राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम पहेलियां। आलेख तेजबाला गोयल का है, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो लो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कुछ पहेलियां। दोस्तों इन पहेलियों को तुम ध्यान से सुनना और इनके जवाब देना। तो लो दोस्तों, तैयार हो जाओ पहली पहेली सुनने के लिए। तैयार हो ना? चलो सुनो और बताओ ये कौन है। नीली छतरी लिए खड़ा हूँ, सब छतरी मेरी में रहते, सूरज चंदा झिलमिल तारे मेरी ही गोदी में बसते। बच्चों नाम बताओगे, ऊंचे तुम उठ जाओगे, नीली छतरी लिए खड़ा हूँ। भाई पहचान गए ना? नहीं पहचाने? अरे दोस्तों, नीली छतरी लिए कौन खड़ा है, बताओ बताओ। कुछ दोस्त तो बता रहे हैं लेकिन कुछ दोस्त नहीं बता पा रहे। अरे सब बताओ। आकाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा दोस्तों, जानते हो आकाश और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? कोई बता सकता है? आसमान, नभ। और अब दोस्तों तैयार हो जाओ दूसरी पहेली सुनने के लिए। तैयार हो ना? लो सुनो। आसमान की खिड़की से रात को झांका करता हूँ, आंख मिचौनी तारों के संग बच्चों खेला करता हूँ, अपनी चमचम किरणों से सबको ठंडक देता हूँ। आसमान की खिड़की से रात को झांका करता हूँ, आंख मिचौनी तारों के संग बच्चों खेला करता हूँ, अपनी चमचम किरणों से सबको ठंडक देता हूँ। बताओ तो ये कौन है, बताओ बताओ। अरे जोर से बताओ। बिल्कुल ठीक, चांद, चंदा मामा। अच्छा दोस्तों, चांद को और क्या कहते हैं, बताओ। चंद्रमा। एक नाम और बताएं, शशि। दोस्तों एक नाम और है चांद का, तुम बता सकते हो? मैं बताऊं, रजनीश। अब जरा एक बात और बताओ, बताओगे ना, चांद कब दिखाई देता है? दिन में या रात में? रात में। अच्छा अब जरा ये बताओ, चांद
जब पूरा दिखाई देता है तो उस दिन को क्या कहते हैं? जब पूरा दिखाई देता है चांद, बताओ बताओ। पूर्णमासी यानी पूर्णिमा। और अब ये बताओ कि चांद कब दिखाई नहीं देता? जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता उसे क्या कहते हैं? अमावस। क्या कहते हैं? अमावस। और अब दोस्तों तैयार हो जाओ तीसरी पहेली के लिए। चलो दोस्तों सुनो ये तीसरी पहेली और बताओ ये कौन है। समझ गए सब? नहीं समझे? समझ गए। अच्छा तो फिर बताओ जरा जोर से बताओ। तारे, टिम टिम करते छोटे छोटे तारे रात को दिखाई देते हैं ना? अच्छा अब चौथी पहेली सुनो और बताओ ये कौन है। बताओ बताओ। हम सागर से पानी लाते, हम सागर से पानी लाते, उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते, आसमान में दौड़ लगाते, आसमान में दौड़ लगाते, झम 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 पानी बरसाते। प्यारे बच्चों नाम बताओ, छाता लेकर घर को जाओ, प्यारे बच्चों नाम बताओ, छाता लेकर घर को जाओ। अरे जाओ ना। ये तो सब पहचान गए होंगे। ये हैं बादल। दोस्तों तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। अच्छा जरा एक बात तो बताओ, जब बादलों की आवाज आती है तो उस आवाज को क्या कहते हैं? बताओ, जब बादलों की आवाज आती है तो उस आवाज को क्या कहते हैं? बादलों का गड़गड़ाना। और अब दोस्तों मैं तुम्हें सुनवा रहा हूँ एक गीत। दोस्तों ये गीत तुम सुनो और कोशिश करो कि तुम भी इस गीत को गा सको। कोशिश करना इस गीत के साथ साथ गाने की। चलो दोस्तों सुनो ये गीत। आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है, आओ बच्चों मिलकर गाओ, भारत देश हमारा है। आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है,
आओ बच्चों मिलकर गाओ, भारत देश हमारा है। क्या? भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। बादल पर फैला कर मोर बोला, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है। आओ बच्चों कर गाओ, भारत देश हमारा है। क्या? भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। गैया बोली, बछड़ा काला मोटा हाथी बोला, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है। आओ बच्चों मिलकर गाओ, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। खेतों से किसान बोला, सीमा से जवान बोला, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है। आओ बच्चों मिलकर गाओ, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। और अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो भाई जरा जोर से कहो जय हिंद।